आज हजारों करोड़ों सालों के बाद मैंने सोचा है कि वीडियो बनाते हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज बहुत समय के बाद मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग शूट करूँगी। एक्चुअली मैं कल भी सोच रही थी, पर फिर मैं व्यस्त होगी एंड कामयाबी नहीं मिली। आज हम कामयाब होके ही रहेंगे। आज है फ्राइडे, हिम्मत आएगा 12 बजे, 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड आज मैंने ना वीडियो शूट की है मेकअप की, दिस वन एक्चुअली थोड़ा चेंज कर लिया मैंने, पर या इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस वहाँ पे जाती हैं। आज थोड़ा सा चिल्ली डे है, पर लेटर ठीक हो जाएगा, टोनी हो जाएगा। अभी मैनू लगता दासा आई डोंट नो, इसीलिए मैंने ना वो फायर प्लेस जला लिया है। चाय का कप बनाने के बारे में मेरा प्लान है। एंड मैंने कल दाल बनाई थी तो उसकी आटा गूंद लूँगी मिस्सी रोटी के लिए, क्योंकि हिम्मत को बहुत अच्छी लगती है। वैसे उसको ना उसमें ग्रीन्स भी अच्छी लगती है, पर ग्रीन्स मेरे पास नहीं है, सो सिर्फ सिंपल दाल का आटा गूंद लेते हैं। एंड कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही प्यारी एंड खूबसूरत बातें करें। एक और चीज़ बताना चाहती थी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए हैं गोल्फ़ खेलने के लिए। आजकल उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है गोल्फ़ का। मैंने लगा हफ्ते से 3-4 दिन वो गोल्फ़ ही खेलने के लिए जाते हैं। एंड आज उनको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि 18 होल में गए हैं वो, एंड मैंने लगा 3-4 घंटे लग जाते हैं उनको। सो अर्ली चले गए थे वो अराउंड 8 और 9। एंड मेरा प्लान था कि मैं ना आज थोड़ा मी टाइम स्पेंड करने के लिए जाऊंगी, लाइक थ्रिफ्टिंग के लिए, थोड़ा मेकअप शॉपिंग करूंगी या कुछ ऐसा करूंगी। बट देन मैंने सारा समय स्पेंड कर दिया इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं अच्छा मोटिवेट फील कर रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए, और शायद फ्यूचर में भी ये कायम रहेगा, देखते हैं। ओले जी वो कितना टाइम लगा देता। एंड अब मेरे पास बाहर जाने के लिए समय नहीं है, हिम्मत आने वाला है, सो जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। मैंने भी कुछ खाया नहीं है सुबह से। एंड उसके बाद हिम्मत को खिलाने के बाद शायद मैं आपको मेरे साथ शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगी। विंडो शॉपिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, सो या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। सो मैंने पहने हैं चिट्टे कपड़े, सो हम इसको बचाने के लिए टक लेते हैं, एप्रन पहन लेते हैं एंड मोटे बन जाते हैं, क्योंकि ये जो एप्रन है ना, अरे भाई मैं कोटी भी पाई है क्योंकि मैंने ठंड लगती पई है। नहीं एप्रन ना मैं ज़्यादा ही मोटी लगती हूँ। एक्चुअली ना मैं इतनी मोटी हूँ नहीं जितनी मैं दिखती हूँ, क्योंकि मैं मोटे कपड़े पहन के रखती हूँ, या फिर मैं बेटंगे कपड़े पहन के रखती हूँ, लाइक लूज़ खुले हल्ले। एंड जब मैं ड्रेसेस पहन रही थी इस समर में, तो हमारे जो दोस्त मित्र हैं वो हैरान हो रहे थे एंड बोल रहे थे, ओह तुमने कितना वेट लूज़ कर लिया। मैं वेट में ना पूरा 200 ग्राम भी लूज़ नहीं किया है, उतने का उतना ही है। बढ़ गया होगा बेशक 100-200 ग्राम, ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, पर लूज़ नहीं किया है मैंने कुछ भी। पर या सो कपड़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी शेप कैसे लगेगी। सो अगर आप सोचते हैं कि मैं मोटी हूँ तो गलत सोचते हैं आप। मैं बहुत ही ज़्यादा पतली हूँ, ओके बहुत ज़्यादा पतली नहीं हूँ, पर थोड़ा पतली हूँ मैं। पर मेरा चेहरा थोड़ा हैवी है एंड ये डबल चिन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, पर मैं ठीक हूँ। अगर आप मुझे नज़दीक से देखेंगे एंड मिलेंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर मैंने अगर ऐसे कपड़े पहने हों जिसमें मेरी शेप ठीक ठाक लगे तो फिर लगता है। पर ये ना सोचो कि मैं आपको बताऊँगी कि आ देख लो, पर मैं मेरा वेट ना दिन में 2 बार चेक करती हूँ, उठते ही एंड सोने से पहले। सो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान रखती हूँ कि मैं मोटी हूँ या पतली, पर बहुत सालों से ऑलमोस्ट सेम हूँ। तो एक्चुअली मेरा ना लूज़ हो गया था वेट जब हम यहाँ पे मूव हुए थे, अराउंड 10 kg, जो कि बहुत बिग डिफरेंस था। इतना भी मेरा लूज़ नहीं होता है, वो भी इस वजह से कि जब हम यहाँ पे आए थे एंड सिद्धू की डेथ हुई थी, एंड ओदी डेथ ने ना मैंने बहुत चेंज कर दिया। बहुत दुखी हुई मैं, बहुत सैड थी, बहुत दिन मैं बहुत अच्छी तरह खा नहीं पाई। उस समय मेरा एक्चुअली वेट लूज़ हुआ था। एंड मैनू लगता है कि ओदी डेथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का। एक्चुअली बहुत सारे दोस्त कहते हैं तुम्हें उसकी डेथ से क्या प्रॉब्लम, तुम्हारा रिश्तेदार था वो। एक्चुअली रिश्तेदार होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को उसकी डेथ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, एंड ओदी डेथ भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। सो यस कि रब नाल जुड़न ले एक ओवी सी चीज़। एक्चुअली रब मेरे अंदर हमेशा से होगा ही परमात्मा, पर या वो भी एक पॉइंट था जब उस उदासी ने मुझे भगवान की तरफ और अट्रैक्ट किया होगा। एंड यस, उसकी मौत से बहुत इफ़ेक्ट हुआ था हम सबको, एंड स्टिल बहुत होता है, पर थोड़ी तसल्ली मिल गई है कि उसके घर में बेबी है। एंड ये जो तसल्ली है कि वो उसके मम्मी डैडी के पास कुछ है, ये वो बेबी के बिना और किसी चीज़ से नहीं हो सकती थी, तो थोड़ा सा सुकून आ गया। नहीं तो बहुत पेन एंड बहुत वियर्ड सी, पर हुन थोड़ा बेटर आ। सो दैट्स दैट। ओके, सो दाल को मैंने ना थोड़ा गर्म किया था, क्योंकि जब मैं आटा गूंथती हूँ ना, फिर की कहते हैं कि दाल फ्रिज से निकालो तो फिर बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है हाथ। सो दाल के आटे में बेसिकली मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, ग्रीन चिली, धनिया, मेथी, पर आज नहीं मैं कर रही हूँ, कुछ भी सिंपल सा कर लेंगे आज। सो आटा डाल देती हूँ, एंड यस बेसन ज़रूर से मैं ऐड करूँगी, क्योंकि उससे ना रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। एंड दाल मेरे पास है मसरा मूंगी की, जो हिम्मत को बहुत अच्छी लगती है। बेसन मैं अच्छी अमाउंट में ऐड करूँगी ताकि बढ़िया स्वादिष्ट परांठी बने, क्योंकि ये वो परांठी है जो हिम्मत बहुत खुश होकर खाता है। एंड इसमें मैं थोड़ी सी सीजनिंग भी करूँगी, एंड अजवाइन वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड धनिया कट्टन लिए मेरा दिल नहीं कर दिया, पाई लेने। सो या थोड़ा धनिया एंड थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर ही लेते हैं, फिर कर ही लिए सारा कुछ, है ना। और दोस्तों सुनाओ, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही होगी। अब तो वो क्या बोलते हैं, फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया है, एंड अब तो बहुत बहार आ जाएगी बाज़ारों में, घरों में, हर एक की ज़िंदगी में देवी माँ खुशियाँ लेके आ जाएंगी। दिवाली, दशहरा एंड एवरीथिंग। इस बार दिवाली जो है वो है, इस बार दिवाली हैलोवीन वाले दिन में आ रही है। एंड हिम्मत बेचारा काफ़ी ज़्यादा सैड है, क्योंकि उसे दिवाली भी बहुत अच्छी लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा आप दिवाली के लिए तैयार हो या हैलोवीन के लिए। सो धनिया एंड ग्रीन मिर्ची, हिम्मत इस परांठी को ग्रीन परांठी बोलता है। अब मैं दाल भी सारी डाल दूंगी, दाल थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आटा थोड़ा कम है। गाइस, आप एक हाथ से आटा गूंथते हैं या दो से? अगर आप दो से गूंथते हैं तो फिर आपको आटा गूंथना नहीं आता है, क्योंकि आटा ऐसा एक हाथ से गूंथना चाहिए एंड दूसरे हाथ को पता ना चले, या फिर वो गंदा भी ना हो। एक ही से गूंथें एंड फिर गूंधे गूंधे परात भी अदा चमका दें कि आटा तो आपने गूंधना नहीं है। आटा डाल के आती हूँ थोड़ा सा और। सी, अगर मेरे दोनों हाथ गंदे होते तो आटा कैसे डालते, पर नहीं, मैं तो समझदार हूँ ना। सही है, थोड़ा सा आटा ऐड किया गया है, अब इसको गूंध लेंगे अच्छी तरह। सीजनिंग भी एक्चुअली मुझे ऐड करनी चाहिए थी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर ही लेती हूँ अभी भी, धनिया, रेड चिल्ली भी कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी भी थोड़ा पतले वाली साइड पर पतला बैटर है, उससे ना रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। हे गूगू, व्हाट इज़ द टाइम? It's 11:26 AM. Okay. So हमारे पास समय है अभी, थोड़ा सेट हो जाएगा ना तो परांठी अच्छी बनेगी। एकदम से फ्रेश क्या बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सेट हो जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा। So yes, आटा हो गया तैयार, इसको थोड़ी देर देंगे हम, थोड़ा समा चाहिए इसको अकेले। चाय के कप के लिए थोड़ा सा समय है, सो चाय बना लेती हूँ मैं, एंड इतों क्लीनिंग भी कर देने हैं। सो आटा ना थोड़ा सा परात के साथ चिपक गया है, क्योंकि ज़्यादा ही गिल्ला है, सो जज नहीं करना मैंने। सो और सुनाओ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो फिर हुन अच्छी हो जाएगी। वो मेरे साथ डिस्कस करें कि आपको क्या दिक्कत है, तो मुझे बताओ, मैं आपकी दिक्कत को फिक्स कर दूँ। क्या दिक्कत क्या है आपको? सोना कब बनाएंगे? आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे, क्योंकि चाय दिक्कत के तली गर्म हो रही है। सो दो चाय के कप, दो टी बैग ऐड करती हूँ, एक तो चाय के लिए, एक चाय के फ्लेवर के लिए। लाइक चीनी भी अभी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा काम ही मकाइए। वैसे हूँ ना मैनू चाय का क्रेज़, लाइक चाय का क्रेज़ मुझे पहला भी अन्ना नहीं होगा, दो बार पीती होंगी मैं, पर हुण काफ़ी घट्ट आ। हुण मैं अज इसलिए पी रही हूँ क्योंकि थोड़ा ठंडा दिन है एंड सुबह मैं पी नहीं पाई थी, तो इसलिए पी रही हूँ मैं। अदरवाइज़ ना नहीं, मैं क्रेज़ी 3 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं पीते, कोई भी चाय भी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं। अपने आप को गर्म करने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है। चाय पीऊँगी एंड थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ मैं। एंड थोड़ी सी आग सेकते हैं वहाँ पे बैठ के। सो मेरा आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकसद है किताबें पढ़ने का। बहुत सारी किताबें मेरी लिस्ट में हैं एंड बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ। मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। एंड बहुत सारी किताबें जो मैं पढ़ना चाहती हूँ वो मुझे इंडिया से मंगवानी पड़ेंगी एंड या कोई फैमिली का बंदा ज़रूर से ला के देगा। फ़िलहाल मैं ये भी पढ़ रही हूँ। यह है श्रीमद् भगवतम एंड ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो फाउंडर हैं उन्होंने लिखी थी एंड बहुत अच्छी है। इसमें गीता के श्लोक हैं एंड उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में एंड या अच्छी है, आसान है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड दोस्तों अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, रिलीजियस पाथ पे हैं, एक्चुअली रिलीजन लेटर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही ले जाता है एंड जेड़े बंदे इस तरफ चलना शुरू कर देते हैं उनमें सबसे पहले तो जो हमारी रिलीजियस ईगो है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं या ईसाई, वो सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। और वो बंदा हर एक के बारे में जानना चाहता है, हर एक की रिस्पेक्ट करता है एंड उसे पता है कि सारे एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो वो सारा ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है। तो जो भी किताबें आपके हाथ में आती हैं, बाइबल आती है वो पढ़े। बाइबल भी मैं पढ़ने वाली हूँ। एक्चुअली ना थ्रिफ्ट स्टोर गई थी मैं, मुझे बाइबल मिल भी गई पर वो अन्नी पुरानी थी एंड किताबों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एंड इसलिए मैं लेके नहीं आई। पर मैं बाइबल भी पढ़ूँगी, अपने ग्रंथ भी, और जिस भी आप जगह को बिलोंग करते हैं उसमें जो भी ग्रंथ हैं वो ज़रूर से पढ़ें क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। उसको पढ़ना भी एक किस्म की स्पिरिचुअलिटी है। उसको पढ़ने से भी आपकी अटेंडेंस लग जाती है उनकी क्लास में एंड लेटर वन डे आपको वो रास्ता दिखा देते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं आपका। सो अर्लियर मैं सोचती थी कि लोग अच्छे नहीं हैं एंड लोग फिर भी पाठ पूजा करते रहते हैं, पर अब बंदे चंगे नहीं हैं। लाइक पाठ करी जाएंगे, पाठ पढ़ते रहेंगे एंड ध्यान इधर उधर होता है, पर आपको नहीं पता कि वो जो पाठ पढ़ रहे हैं उसकी केड़ी लाइन क्लिक ऑन हो जाएगी एंड कब वो जाग जाएंगे। सो पढ़ते रहना भी बहुत अच्छा है। बेशक आपका दिमाग खुला है, नहीं खुला है, ऐसे तोते की तरह पढ़ते रहें, बट यू डोंट नो कि किस दिन वो परफेक्ट समा आएगा कि एक लाइन ही आपको अवेकन कर देगी। सो अगर आप जपजी साहब पढ़ते हैं, आप समझते नहीं है पर फिर भी पढ़ी जाने तो उन्होंने नहीं पता कि किस दिन वो पॉइंट आने वाला है। सो पढ़ते रहना भी बहुत अच्छा है। सो बहुत सारे मार्ग हैं जो एक ही रास्ते पे जाते हैं। वो भक्ति मार्ग हो सकता है, वो शक्ति मार्ग हो सकता है, वो पढ़ाई वाला मार्ग हो सकता है कि आप पढ़ते हैं, नाम जप हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो कर्म मार्ग भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, एक दिन बाबा जी आपको चूज कर लेंगे कि ओके आ जा मेरे रास्ते पे। सो ये सारे ही एक ही पास से जाते हैं। सो जो भी आप चूज़ करें, मैं रेकमेंड करूँगी कि किताबें ज़रूर से पढ़ा करें, उनमें एक बहुत एनर्जी होती है। एंड अगर आप स्पिरिचुअल बात पे जाना शुरू करना चाहते हैं तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ज़रूर से पढ़ें। उस किताब में कुछ मैजिकल पावर है एंड एनर्जी में अगर आप बिलीव करते हैं तो उसमें एनर्जी है। वो स्वामी जी ने ना उस किताब में एनर्जी डाली है कि जो भी बंदा उस किताब को पढ़ेगा कुछ ना कुछ तो उसका ज़रूर खुलेगा। एंड दूसरी चीज़ है कि उस किताब में भी बहुत एनर्जी है। एक बार मेरे एक नॉन हमारे घर में आए, उन्हें मैंने बताया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में कितना इंटरेस्ट है। ये बात है 2018 की एंड उन्होंने मुझे बताया तुम्हें ना ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़नी चाहिए, उसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताया है। तो मैंने वो बुक उसी समय ख़रीद ली क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था, पर मैंने बहुत समय पढ़ा नहीं, वो बुक ऐसी पड़ी रही। पर मैंने बुक को खड़े करके मेरी बुक शेल्फ पर रखा था, स्वामी जी का चेहरा हमारी तरफ था, दिखते रहता था मुझे वो बार बार। फिर मैंने सोचा कि मैंने पढ़नी चाहिए, फिर मैंने पढ़ी एंड बहुत मज़ेदार लगी। पता नहीं तब मेरा माइंडसेट कैसा था, तब मैं बीमार भी थी, बीमार रूमेटॉइड डायग्नोज हुआ था। सो अलग माइंडसेट के साथ पढ़ी मैंने, बट या बहुत डिफरेंस लगा, मज़ेदार लगा। स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। और मैंने इस ईयर दोबारा से पढ़ी है एंड मतलब 8-9 महीने पहले मैंने दोबारा से पढ़ी है एंड इस बार माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था एंड इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मैं ओपन हो गई कि ओ गॉड या ये भी है क्योंकि उस किताब में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ के बारे में। वो 60s 50s में बनी है, नो वो एक्चुअली 40s 50s में बनी है, पर हुण तक इतने सालों के बाद एंड फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के बारे में बहुत सारा चीज़ ज्ञान उसमें भरा हुआ है। सो ज़रूर से पढ़े। मैं ना रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी रजनीकांत जी की, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किताब ले ली थी और बहुत साल 30-40 साल तक पढ़ी नहीं, पर वो किताब घर में थी। उन्होंने कहा कि किताब में बहुत एनर्जी है, जब मैंने पढ़ी मेरा दिमाग खुल गया। सो अगर वो स्वामी जी की बुक को आप घर में भी ला के रख लेते हैं, उसमें एक बहुत एनर्जी है एंड जब वो चाहेंगे कि आप पढ़ें तभी आप पढ़ पाएंगे। एंड एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, कि जो भी लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं या यूनिवर्स में या स्पिरिचुअल पावर में या वो जो निरंकार परमात्मा है जिसका कोई रूप नहीं है, जो कोई आकार नहीं है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें विश्वास नहीं करते हैं, तो इसमें आप उन लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं। वो भी एक्चुअली परमात्मा की ही इच्छा है कि वो उसमें विश्वास नहीं करें, उनका टारगेट कुछ और है, क्योंकि परमात्मा की मर्ज़ी के बिना उसमें विश्वास या उसके साथ प्यार भी आप नहीं कर सकते हैं। आप उनके मंदिर का, गुरुद्वारे का पैर भी नहीं एक अंदर रख सकते जब तक वो नहीं चाहेंगे कि आप उनकी जगह पे आएँ। तो ऐसे लोगों के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब परमात्मा चाहेंगे कि वो इस चीज़ में आए तभी वो मानेंगे। सो अगर आप इस चीज़ में मानते हैं तो आप चोज़न वन है, कि आपको उन्होंने चूज़ कर लिया है, क्योंकि आप उनको माने या नहीं है तो वो है, क्रिएटर तो वही है, जितना मर्जी आप इग्नोर कर ले। सो या ये भी उन्हीं की इच्छा है। सो ये है आज का ज्ञान। अब मैं जा पीऊँगी सुकून के साथ, 5-10 पन्ने मेरी किताब के पढ़ लूँगी एंड यस, थोड़ी देर में मिलती है आपको। होपफुली मैं आपको आज शॉपिंग करने के लिए लेके जाऊँगी मेरे साथ। ओके दोस्तों, व्लॉग ना मेरा पीछे रह गया। हस्बैंड आ गए थे गोल्फ खेल के, पर वो 4 बजे आए अराउंड एंड उसके बाद मैं शॉपिंग करने के लिए चली गई थी, पर मैं कैमरा घर पे भूल गई, आदत नहीं ना मैनू। सो या थोड़ा सा फिर भी 1-2 क्लिप्स मैंने शूट की, पर ज़्यादा नहीं। पर मैं 2 लिपस्टिक्स लेके आई हूँ मेरे लिए इंडियन टायर में, एंड मैंने सोचा था मैं व्लॉग बनाऊँगी, पर फॉर सम रीज़न मैं अपना कैमरा एंड सारा कुछ कर भूल गई। फ़ोन पर व्लॉग बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और यार थोड़ा सा बना लेना फिर। एक्चुअली मेरे फ़ोन में जगह भी नहीं रहती, फिर कुछ भी डिलीट करने के लिए मेरा मन तो करता नहीं है। सो बर्ड फीड लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर लूँगी। आपको मैंने दिखाया ना, वो उसके प्राइस स्पेशल प्राइस पे था। एंड अब मैं बनाने वाली हूँ रामेन, क्योंकि हिम्मत का रामेन खाने के लिए मन है। एंड यस, उसके बाद फिर मेरी कोशिश है कि जो मैंने आज मेकअप की वीडियो बनाई है उसको एडिट करके अपलोड कर दूँ, एंड देन देखेंगे और क्या करेंगे। सो आज बहुत ही अजीब ग्लूमी सा दिन था। अंदर बैठ के ऐसे लग रहा था कि बाहर बहुत ठंड है, पर बाहर 22 डिग्रीज था। सो इसलिए मैंने सोचा घूम फिर के आती हूँ, पर बहुत ज़्यादा विंडी भी था। एंड हिम्मत एंड मैं दोनों जाना चाहते थे। मैं चाहती थी कि उसको मैं वो लेके दूँ कॉस्ट्यूम हैलोवीन के लिए, पर उसने चूज़ किया कि वो पार्क में खेलने जाएगा, मेरे साथ नहीं आएगा। सो वो नहीं आया तो कॉस्ट्यूम रह गया है। कई बार हम ना लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं एंड फिर कुछ भी नहीं मिल पाता है। सो लेट्स सी क्या करेंगे। इस बार हैलोवीन वाले दिन ही दिवाली आ रही है, मैंने बता दिया अर्लियर, एंड करवा चौथ भी आ रहा है, और मैं व्रत मोस्ट प्रॉब्ली करने वाली हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे लिए कोई ड्रेस भी बना लूँ। मेरे पास ना 3-4 ऑप्शंस हैं, पर वो भी देखते हैं क्या सजेस्ट करते हो आप, बनाऊँ या नहीं। मेरे पास ना एक साड़ी भी है, मैं वो भी पहन सकती हूँ, पर वो भी रेडी नहीं है। वो भी मुझे कुछ ऐसे DIY जैसे करके पहननी पड़ेगी फॉर अ टाइम बिंग, या फ़ोटोज़ के लिए या वीडियोज़ के लिए। या फिर मैं ना कोई अच्छा सा ड्रेस डिज़ाइन भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा रेड दुपट्टा है जिसे मैं यूज़ करना चाहती हूँ। तो उससे यूज़ करने के लिए कुछ DIY भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत किस्म के अलग अलग फैब्रिक भी पड़े हैं, लाल भी। सो आप सजेस्ट कर लें कि क्या करूँ मैं, एंड उसको डॉक्यूमेंट करें, ये भी बताना। बाहर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा, हवा चल रही है। हमें लगता जब बहुत तेज़ हवा चलती है एंड आवाज़ आती है यूँ, ऐसा लगता है कि भूत आ गए हैं, भूत वर्गी ही आवाज़ आ रही है बाहर से। सो हिम्मत डैडी के डेस्कटॉप पे गेमा खेल रहा है, एंड मैं वेट कर रही हूँ रामेन का कुक होने का, देन उसको कॉल करेंगे। जो रामेन हम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है करी फ्लेवर, एंड कोई वेजिटेरियन दोस्त ट्राई करना चाहते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्लेवर है वो सारे आर्टिफिशियल है, जैसे चिकन का फ्लेवर, उसमें रियल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया है सब कुछ। सो बट आप अपनी रिसर्च कर लें यूज़ करने से पहले, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर वेजिटेरियन हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एंड रिसर्च कर ले, पर मैंने जितना देखा इंग्रेडिएंट्स पे उस पर लिखा है कि सब कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ही हैं, ऐसे रियल एक्सट्रैक्ट या रियल नहीं लिखा गया है। तो नहीं होगा कि आपकी मर्ज़ी है कि आप खाना चाहेंगे या नहीं। पर बहुत सारे दोस्त ट्राई करना चाहते हैं पर इसलिए वरीड हैं कि ये वेजिटेरियन है या नहीं। सो मेरे हिसाब से वेजिटेरियन ही है। फिर भी अगर किसी और दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में ज़रूर से कमेंट बार में छोड़ना, ताकि दूसरे दोस्त पढ़ लें एंड उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड इन्फॉर्मेशन में वादा हो जाए। तो इसमें मैंने पानी ऐड किया है, उन्हें दूर रख देते हैं क्योंकि हस्बैंड एक बार इसको सोट चुके हैं, दूसरी बार फिर वो हादसा कर सकते हैं कोई ना कोई। ओके, मैंने ना जो लिप शेड मैं लेके आई हूँ उसको मैंने मेरे लिप्स पे पहन लिया है। कुछ इस तरह का लग रहा है, पीची सा, बहुत ही प्यारा। एंड जो दो लिप शेड 50% ऑफ पे लगे थे वो दोनों ही मुझे बहुत खूबसूरत लगे। एंड वो दोनों ही वो शेड्स हैं जो आजकल मैं लगाना चाहती हूँ। अर्लियर मुझे ना लिप शेड लगाने का इतना शौक नहीं था, पर आजकल मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है लिप्स पे। सो या बताना ये कैसा है। मुझे लगता है प्यारा फ्रेश शेड है स्प्रिंग के लिए, पर इसको थोड़ा सा अगर हम आउटलाइन करें डार्क और के साथ तो हम इसे अपनी मन मर्जी के साथ सर्दियों में भी पहन सकते हैं। पर मैं ना बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ कि क्या चीज़ गर्मी में पहनने के लिए है या सर्दी में। तो जब मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ। सो बेसिकली ये जो सॉस है ये एक ही यूज़ होगी क्योंकि हिम्मत बहुत कम लेता है। सो ये ठंडे ठंडे को ये ठंडे से ग्लूमी वेदर में हिम्मत के लिए ब्यूटीफुल रामन का बोल रेडी है। इसमें वैसे मैं बॉयल एग डाल सकती थी पर अभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं तो हम अंडा नहीं डालेंगे इसमें। ओके दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट बार में कमेंट करना कोई प्यारा सा कुछ भी आप अगर बताना चाहें मुझे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बिल्कुल मत भूलें, वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप मेरे फ्यूचर में आने वाले बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ को मिस कर देंगे जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। And yeah, I love you guys so very much. Bye bye, Lalu.